दोस्तों बिग टाइम पे रोज स्लीव डिजाइन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से इसको बनाया, कितनी परफेक्ट और कितनी सुंदर यहाँ पर ये डिजाइन बन के आई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से ये ब्लाउज का मेन फेब्रिक लिया है। सबसे पहले आपको अपने बाजू की कटिंग करना नॉर्मल तरीके से, तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई 7 इंच रखी, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए बाजू को इस प्रकार से एक पेपर से इसको बराबर में कट कर लेना है। आपको जितनी लंबाई रखनी है उतनी ही इसको कट करना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर पेपर को कट करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको बीच में से यहाँ से कट लगाना है और यहाँ पर इलाके इसको छोड़ देना है। थोड़ा सा छोड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए पेपर इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें एक कपड़ा लेना है जो हमारा ब्लाउज का मेन फेब्रिक है, तो इसको मैं साइड से पहले तो सीधा कर लें दोनों साइड से। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा पेपर कट किया ना हमने, तो इस पेपर को इस प्रकार से ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। उसके बाद हमें इसके साइड में से मार्किंग कर लेना है और मार्किंग करने के बाद में इसकी कटिंग कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 मिनट का वीडियो बनाया है, वीडियो का पूरा देखिएगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इसको हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से इसको कट कर दिया है। तो देखिए इसको कट करने के बाद में इसका जो लुक इस प्रकार से आया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पेपर को वापस यहाँ से रखना है और यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देना है। तो जो हमने कट लगाया ना उसी कट से हमें यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करना है और ऐसा करके यहाँ पर हमें एक कोने पर सिलाई लगा देना है। उसके बाद यहाँ से इसकी में इस प्रकार से इस कोने को यहाँ से ऐसे पकड़ना है और ऐसे करके यहाँ पर हमें ये रोज स्लीव डिज़ाइन बना देना है। यानी यहाँ पर देखिए आप कितनी परफेक्ट तरीके से ये बनता है, कितनी इजी तरीके से। तो इस प्रकार से इसको हमें बना लेना है। पहले आपको इसको एकदम परफेक्ट तरीके से इसको हमें सेट करना है अच्छे से। तो अब यहाँ पर देखिए हमने जो अस्तर कट किया है, तो अस्तर को लेना है इस प्रकार से, अस्तर पे हमें यहाँ पर सेंटर में निशान लगाना है दोनों साइड में। उसके बाद यहाँ से हमें इसको इसके ऊपर इस प्रकार रखना है और रखने के बाद में यहाँ से हमें सिलाई लगा देना है, बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाना है। उसके बाद हमें एक ही साइड में भी इसे सिलाई लगा देना है, यहाँ से हल्का सा एक कट लगा देना है और आगे की सिलाई में लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू में आगे की साइड में मैंने ये आर्म होल में सेप भी दिया है, तो वो भी आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग करने के बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको हमें सेट करना है और सेट करने के बाद में यहाँ पर हमें एक मोती अटैच कर देना है। सेंटर में आपको मोती लगा देना है, तो आप चाहो तो लगा सकते हो वरना ये ऑप्शनल है। इसको लगाने के बाद में हमें इसके साइड में भी ये टेप्स लगा के इसको हमें परफेक्ट तरीके से सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इसको मोती को लगा दिया है और मोती को लगाने के बाद में यहाँ से हमें साइड में ऊपर और साइड में दोनों तीनों साइड में टेप लगाना है और जो ये काउल है ना काउल को हमें सेट कर देना है। दोस्तों आप कमेंट में बताना आपको डिज़ाइन कैसी लगी, अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। इस प्रकार से आपको इसको टेप लगा के बराबर में सेट कर लेना है ताकि ये इधर उधर ही लेना बिल्कुल बराबर में परफेक्ट रहे। तो अभी देखिए मैंने साइड में भी यहाँ पर टेप लगाना शुरू किया है। अभी देखिए बाजू की डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे की साइड में एक समथिंग हमें 3.5 इंच का हमें चौड़ा एक कपड़ा लेना है, तो इसको हमें यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे रखना है और बाजू को इस प्रकार से ऐसे रखना है। यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है। अभी आपको यहाँ पर देखिए ये पट्टा है जो आप अपने अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकती हो। मैंने यहाँ पर 1 इंच का पट्टा यहाँ पर लगाना है, अगर आप चाहो तो इसको 2-3 इंच में भी लगा सकती हो। इस प्रकार से इसको हमें सेट करना है। सेट करने के बाद में यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसे फोल्ड करके मैंने यहाँ पर 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, बाकी कपड़े को मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसमें सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगाने के बाद में अगर आपके पास में कुछ लेस है तो आप यहाँ पर लेस लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइन लुक इस प्रकार से आएगा लेस को कंप्लीट लगाने के बाद में।
तो अभी देखिए यहाँ पर बन के इस प्रकार से रेडी हुई, कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी तरह से बनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए गुलाब का जो फूल है उसी प्रकार से ये बन के रेडी हुई है, और मैंने इसको रेड कपड़े में बनाया है ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट यहाँ पर ये लुक आया है। आप मुझे कमेंट में बताना आपको डिज़ाइन कैसी लगी। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी सही सिलाई से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और आपने मेरे को इंस्टा भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टा फॉलो कर लीजिए, इंस्टा आईडी है UV Designer 143 के नाम से है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।